ये लो मीर समीर, गरम गरम दूध। राम से। शुक्रिया अम्मी। अम्मी जान, कल हम दोनों भाई मेले में जा रहे हैं, अगर कुछ मेले से मंगवाना हो तो बता दीजिए। हाँ हाँ बता दूंगी, पहले दूध तो पी लो। मेले में तो मैं भी जाऊंगी। हाँ हाँ चली जाना। कतई नहीं जाओगी? क्यों, हर बार तो जाती हूँ, इस बार भी जाऊंगी, देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। मैं रोकूंगा। अम्मी जान देखिए ना, अम्मी जान भाई जान मेरे जाने पर पाबंदी लगा रहे हैं। हाँ हाँ चली जाना, क्यों रोक रहा है अमीर? अम्मी जान साहिबा बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है। मेले में अलग अलग लोग आते हैं तो अलग अलग नजरें होती हैं। भाई जान किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखे। मीर समीर की बहन हूँ मैं, आंखें फोड़ दूंगी उसकी। ओ शेरनी, कह दिया मतलब कह दिया, नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। तो तेरा बड़ा भाई हूँ, हुक्म की नाफरमानी मुझे बर्दाश्त नहीं है, समझी? तो ठीक है, अब्बू जान से कह दूंगी, फिर देखती हूँ कि आप उनका हुक्म मानते हैं या नाफरमानी करते हैं। और अम्मी जान आज से साहिबा का खाना पीना बिल्कुल बंद, ना साहिबा कुछ खाएगी ना ही कुछ पिएगी। अच्छा अच्छा चली जाना। पर कैसे? पैदल पैदल अपनी सहेलियों के साथ। पैदल पैदल? चौधरी खेवा खान की बेटी हूँ मैं, पैदल ना जाए मेरी जूती। मैं तो घोड़े पर ही जाऊंगी। कह दिया ना एक बार, नहीं जाएगी तो घोड़े पर, जाएगी तो तू अपनी सहेलियों के साथ। मैं तो घोड़े पर ही जाऊंगी बस। कमाल है साहिबा, तुझे आज अचानक बक्खी पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? उस दिन तो तुझे ये जहर लग रही थी। आखिर बात क्या है? अरे बात क्या होगी, देखो कल को ये मेरे ही काम आएगी ना, बस इसीलिए। लेकिन अगर तुझे कोई परेशानी है तो छोड़ देती हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज अचानक बक्खी के लिए तेरा इतना प्यार मुझसे हजम नहीं हो रहा। अच्छा हजम नहीं हो रहा तो ठीक है। मिर्जा यहाँ हर साल मेला लगता है। लगता है तो?
मुझे पता है कि तुझे मेले में जाना अच्छा नहीं लगता, पर इस बार चल पड़ मेरे लिए। अरे देख साहब, मुझे ये मेला वेला पसंद नहीं है। तू हर साल की तरह अपने भाइयों के साथ क्यों नहीं चली जाती? नहीं, अगर इस बार जाऊंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ। देख मैं नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, मैं इस बार बुमन के साथ चली जाऊंगी। साहिबा, सुना? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुमन मियां। तलवार की धार बना रहे हो भाईजान? धार बनानी पड़ती है बुमन मियां, इतनी बड़ी जमींदारी है, हिफाजत करनी पड़ती है माल की और रुतबे की, खानदान के इज्जत की। बुमन मियां, दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा है इस जहां। सही कह रहे हैं भाईजान, कौन दोस्त कौन दुश्मन पता ही नहीं चलता, और दोस्ती का नकाब ओढ़े लोग पीछे से हमला करने के इंतजार में लगे रहते हैं। क्या कह रहे हो बुमन मियां, साफ साफ कहो। मैं नहीं कहना चाहता, लोग कह रहे हैं, कोई मुंह पे कह के जाता कोई पीठ के पीछे। घुमा फिरा कर बात कर रहे हो बुमन मियां? आपसे और आपके तलवार से डर लगता है, तलवार मुझे दे दो। ठीक है, अब बताओ क्या है भाईजान। आप और मीर भाईजान तो अपनी जिम्मेदारियों में लगे रहते, लेकिन मिर्जा ना मत लो उस नाम मुराद और अवारा का। बड़ा बुकट लाटला बना फिरता है, काम वाम तो कुछ है ही नहीं, बस उसकी गोड़ी और तीर कमान। और साहिबा? मतलब? मतलब मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि मिर्जा और साहिबा। भाईजान, इसलिए तो तलवार ले ली थी। अम्मी जान। हाँ हाँ आई। हम दोनों भाई मेले में जा रहे हैं। ये बच्चों को किसी की नजर ना लगे, आज ईद के पहले जुमे का मेला है, बहुत लोग आएंगे, बड़ी रौनक होगी। मेरे बच्चों को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। अम्मी जान, भाई जान कोई छोटे बच्चे नहीं है जो इन्हें किसी की नजर लग जाएगी। क्यों भाई जान? अब जाने भी दीजिए इन्हें, नहीं तो पता चला कि ये लोग मेले में पहुंचे और मेले वाले अपने अपने घर पे। शैतान लड़की। हम तो पहुंच ही जाएंगे, तू अपनी फिक्र कर, क्योंकि जब हम लौट रहे होंगे ना तू वहां जा रही होगी। ठीक है, देखते हैं कि पहले कौन पहुंचता है। ठीक है ठीक है, चल देख लेते, चल समीर। चल चल, मैं भी चल। वाली थी ना अपने मिर्जा के साथ मेले में। मैं मिर्जा के साथ ही जा रही हूँ। हाँ, पर तुझे मैं ये कहने आई थी कि देख, अम्मी जान से मैंने कहा है कि मैं नूरा के साथ जा रही हूँ, आगे तू संभाल लेना। चल मैं चलती हूँ। साहिबा साहिबा, या अल्लाह, अब तू ही बचा इन इश्क करने वालों से, खुद तो जाएंगे ही, साथ में हमें भी लेके जाएंगे। चल Thank you.
कमाल करती हो तुम साहिबा, कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा मैं, इतना देर क्यों लगा दी? ज्यादा नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैं नूरा से कहने गई थी कि मिर्जा के साथ मेला देखने जा रही हूँ। साहिबा, तुम मिर्जा के साथ मेला देखने के लिए जा रही हो, मिर्जा के होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, अब चले? चलो आओ। खाला, देख रही हो चौधरी की बेटी को क्या क्या गोल खिला रही है? हाँ, इसे तो अपने खानदान के लाज शर्म की बिल्कुल ही परवाह नहीं है, ये इसी तरीके से पूरे गांव भर में मिर्जा के साथ घूमती फिरती है। अरे साहिबा, पूरे मेले में तुम दोनों के बारे में बातें चल रही हैं। इससे पहले कि तुझे मीर समीर देख ले, तू उसको लेके निकल जा, जल्दी निकल जा, तुम्हें याद आ जाएगी। मिर्जा, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ मिर्जा। साहिबा, मोहब्बत कोई गुनाह नहीं, पर कभी ना कभी तो सबको पता चलना ही, तो अगर आज पता चल जाए तो इसमें बुराई क्या है? मिर्जा, तुम मर्द हो ना, तुम नहीं समझो, अगर मेरी बदनामी होगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बाहर मिलती हूँ। मिर्जा, मैं यहीं घूमने साहिबा, जल्दी चल, तुम जाओ मिर्जा। अब देखा नहीं जाता, हद हो गई, बड़ा से बाहर हो रहा। मौजू देखा, देखा तुमने देखा कुछ? देखा भाईजान, आपकी मोहब्बत का जनाजा निकलते हुए। मेरी मोहब्बत का जनाजा नहीं, उस मिर्जा की मोहब्बत का जनाजा निकलेगा। मीर और समीर इसी हाथ में आए हुए, अभी जाकर इन दोनों की करतूत दिखाता हूँ, चलो। घूमते रहो, तुम्हारे नाक के नीचे क्या चल रहा है तुम्हें पता है? क्या चाह रहा है तू? मैं क्या कहना चाहूंगा, देखो उधर, तुम्हारी बहन साहिबा मिर्जा के हाथ में हाथ डाल घूम रही है। सच कह रहा है बुमन, सच कह रहा है तू? अपनी मोहब्बत की कसम खा के कहता हूं, मैं सच कह रहा हूं। मिर्जा, तुम अभी तक गए नहीं, मीर समीर इसी मेले में, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो कयामत आ जाएगी, तुम चले जाओ यहाँ से। साहिबा, कुछ नहीं होगा, तुम डर रही हो। मिर्जा, मैं डरती नहीं, अगर तुम कहो ना तो मैं इसी पल अपनी जान भी दे सकती हूँ, चाहो तो आजमा, पर तुम दोनों मेरे प्यारे हो,
तुम मेरी मोहब्बत हो तो वो मेरा खून है। मैं नहीं चाहती कि लोग साहिबा को गाली दें ये कहकर कि साहिबा ने अपनी मोहब्बत के लिए अपनों का खून बहाया है। मिर्जा तुम चले जाओ। मिर्जा साहिबा ये बेकार की बात है। मिर्जा किसी से नहीं डरता। साहिबा मिर्जा के साथ आई थी और मिर्जा के साथ ही वापस जाएगी। मिर्जा तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम चले जाओ मिर्जा। मिर्जा नहीं तो समीर मीर छोड़ दो साहब वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। चुप करो। ओए ओए मिर्जा से तो हम बाद में निपटेंगे। तुम्हारी औकात होगी तो हाथ उठाओगे ना। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि मीर भाई जान और समीर भाई जान पे हाथ उठा सको। अच्छा हिम्मत देखना चाहता है। मैंने तुम्हारे अब्बा का नमक खाया है इसलिए तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। अपनी हाथ पे रो। अरे बड़ी आपा अब आपको क्या मालूम इस लफंगे मिर्जा के चक्कर में ताहिर खान जैसा बड़ा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। अरे आपा जरा सी भी देर की तो समझ लो इस बड़े रिश्ते से हाथ धो बैठोगी। जाओ यहां से। होगा भाईजान छोड़ दीजिए इसे। भाईजान छोड़ दीजिए इसे। भाईजान छोड़ दीजिए।
अम्मी जान संभालो अपनी ये शहीदी को। ना बुरा, बहुत करनी तूने मनमानी। किसी वक्त तू अपने कमरे में जाए ऐसे। जाओ। नहीं अम्मी जान। चलो क्या जात? अम्मी जान। नहीं जाओ। बंद कर दिया। लेकिन ऊपर। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊं। अम्मी जान इसको संभालिए। नहीं जाऊं। भाई जान। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊं। साईबा ऊपर जाओ। जाओ ऊपर। बंद कर दिया। पकड़ इसको लेके जाओ ऊपर। बन के ताले में। अरे बाप। मेरे साथ छोड़ दो भाई। छोड़ दो ऊपर। अम्मी जान। छोड़ दो ऊपर ताला। अम्मी जान। नौमुराद, ये दिन के लिए तुझे खिला पिला के बड़ा किया था मैंने। हस्तीन के साथ। मीर, समीर, इस एहसान फरामोश को इस हवेली से इतने दूर पे कि दोबारा इस हवेली की तरफ रुख करने के लिए इसकी रोका मुझे उठा और फेंक दो यहाँ से। इसको ऐसी जगह फेंकेंगे कि साला वापस नहीं आ सकेगा। कैसे इसको? कैसे? उस रब की